मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की ग्रामर बुक है व्याकरण की बुक, उससे पढ़ेंगे पार्ट 5 नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द संज्ञा है ना। तो आप अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण की और ओपन कर लीजिए पेज नंबर 33, पार्ट 5 नाम वाले शब्द संज्ञा। बच्चों यहाँ देखिए पिक्चर बनी हुई है। किसकी पिक्चर बनी है? फूल की पिक्चर बनी है, फिर एक जानवर की पिक्चर बनी है, फिर यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई हैं और ये जंगल है, और यहाँ किसी व्यक्ति की पिक्चर बनी है और यहाँ भी किसी जानवर की पिक्चर है ना। तो ये जो फूल है, फूल का क्या नाम है? गुलाब। और ये जो जानवर है, इसका क्या नाम है? शेर, ये तो आप जानते हैं। और ये पुस्तकें, कुछ किताबें रखी हुई हैं। फिर ये जंगल है, इसको जंगल कहते हैं। और जो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है भगत सिंह। और ये जो जानवर है, इसका नाम है हाथी। तो बच्चों, हर जो भी चीज़ यहाँ आपने देखी, तो सबके कुछ ना कुछ नाम है ना। हर किसी चीज़ का नाम है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, है ना। तो सबके नाम है, तो इसी को बच्चों कहते हैं संज्ञा। इसी चीज को हम संज्ञा कहते हैं, जिसके हर हर चीज के नाम होते हैं। हर एक का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, इसी को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आपने ये समझ लिया ना कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, प्राणी कोई जीव जैसे कि हम लोग हैं प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि ये देखिए, गुलाब का फूल है, शेर है, पुस्तकें हैं, जंगल, और ये भगत सिंह, हाथी, ये सब संज्ञा है। तो इससे पता चलता है कि जो भी कोई व्यक्ति है, उसका नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा, ये कई बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपको लर्न हो जाएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप पेस्ट अपना टर्न करिए और यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, शहरों के नाम हैं और वृक्षों के नाम हैं। व्यक्तियों के नाम में देखिए प्रणव मुखर्जी बने हैं, फिर महात्मा गांधी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और ये सुभाष चंद्र बोस है ना। तो ये व्यक्तियों के नाम हो गए। आपका भी नाम हो सकता है, आपका जो नाम हो, आपके पापा मम्मी का जो नाम हो, आपके भाई बहन का जो नाम हो, तो वो सब संज्ञा है, व्यक्तियों के नाम। अब अन्य उदाहरण में भी है, राम, गीता, सुरेश, रजनीश, विनय, दीपक, भीम आदि, ये सब किसी के नाम है, व्यक्तियों के। अब देखिए दूसरे नंबर पे है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में क्या क्या चीजें हैं? एक तो पुस्तक है, फिर टेलीफोन है, गिलास है, और भी वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे आपका बॉक्स, आपका बैग है ना, और मेज, घड़ा, कुर्सी, गमला, पेंसिल, घड़ी, टीवी, जो भी है, ये सब वस्तुओं के नाम है ना। फिर आगे देखते हैं, ये भी संज्ञा है, वस्तुओं के नाम हो गए और व्यक्तियों के नाम, ये सब संज्ञा है। शहरों के नाम, शहर, आप पहले अपने शहर का नाम बताइए, जहाँ रहते हैं, गोरखपुर, तो ये भी संज्ञा है, शहरों के नाम। और मुंबई, आगरा, दिल्ली, ये सब भी शहरों के नाम है, ये भी संज्ञा है। फिर अन्य उदाहरण में है चंडीगढ़, मेरठ, पटियाला,
जालंधर, पटना, लखनऊ आदि। अब फोर्थ नंबर पे है वृक्षों के नाम। जो पेड़ पौधे हैं ये भी तो जीवित ही होते हैं ना, ये भी प्राणी हैं। तो वृक्षों के नाम क्या क्या हैं? पीपल, बरगद, आम, और भी आप जो वृक्ष जानते हो जो आपके घर के आसपास हो, नीम, पलाश, शीशम, बबूल, अमरूद, केला आदि, है ना, बहुत सारे वृक्षों के नाम होते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है, इमारतों के नाम। ये देखिए इमारतें हैं ना, ताजमहल, चार मीनार, लाल किला, और अन्य क्या है, कुतुब मीनार, हवा महल, एफिल टावर, पीसा की मीनार आदि। ये सब चीज़ें संज्ञा है, सबके जिनके भी नाम है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, ये सब व्यक्तियों, ये सब संज्ञा है बच्चों। तो नीचे देखिए, आपने संज्ञा समझ लिया, अब आगे देखिए नीचे क्या लिखा है। संज्ञा के तीन भेद हैं, संज्ञा के तीन भेद भी होते हैं, जैसे कि पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है वो व्यक्तिवाचक होता है। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का पता चलता है तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गीता, गीता किसका नाम है? किसी लड़की का नाम है। और फिर यहाँ रमेश किसी आदमी का नाम है, है ना। रामायण, रामायण पुस्तक का नाम है ना बच्चों। अब पुस्तक रखी थी, अब उसमें तो पुस्तक सभी हैं, लेकिन इसमें रामायण, तो ये एक पुस्तक का, हमारी धार्मिक पुस्तक है ना, रामायण, गीता, महाभारत, ये हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो इनका नाम है। फिर दिल्ली शहर का नाम, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति और स्थान का बोध करा रहे हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द संपूर्ण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में जैसे लड़का, कि लड़का से पता चल रहा है ना, कोई भी लड़का होगा, बहुत सारे सारे लड़कों के बारे में पता चल रहा है, लड़का, इससे पता चला संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, ये जातिवाचक है। पशु, कोई भी पशु हो सकता है, पशु से सब, इसमें बहुत सारे पशु आ सकते हैं, इससे पशुओं की संपूर्ण जितने भी पशु हैं सब इसमें शामिल हो सकते हैं, हाथी, शेर, गधा, कोई भी घोड़ा, सारे आ सकते हैं इसमें पशु, है ना, चाहे वो जंगल में रहते हों या फिर वो पालतू हों, तो इसमें सब आ गए। तो इससे संपूर्ण पशु से एक पूरे पशु के बारे में पता चल रहा है, तो ये जातिवाचक है। अब अगर पशु का नाम हम ले लें, पशु है, अगर इसका नाम ले लें कि शेर, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पक्षी, पक्षी से सारे पक्षियों के बारे में पता चल रहा है ना, पक्षी कोई भी पक्षी हो सकता है, कौन हो सकता है, तोता भी हो सकता है, कौवा भी हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है, तो ये इसे पक्षी से सभी पक्षियों के बारे में पता चल रहा है। फिर आदमी, आदमी में कोई भी आदमी हो सकता है ना, कोई भी आदमी, जैसे यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी, फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर आपका नाम हो या किसी आपके पापा का नाम हो, तो इन इससे आदमी से सारे आदमियों के बारे में पता चल रहा है ना, वो कोई भी हो सकता है। फिर फल, फल में भी वही बात है कि किसी भी फल का नाम हो सकता है, आम, अमरूद, केला। फिर जंगल, कोई भी जंगल हो सकता है, जंगल, किसी जंगल का नाम नहीं है, जंगल से सभी जंगलों के बारे में पता चलता है। नदी, नदी से भी पता चलता है कि नदी कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन नदी से सभी नदियों के बारे में पता चल रहा है ना। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है।
और फिर भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में देखिए यहाँ पे है ना मिठास, भाव भाव पता चला ना, मिठास, इससे मिठास, कोई चीज़ खा रहे हैं उसकी मिठास पता चली, उसके गुण पता चल रहे हैं हमको कि ये चीज़ मीठी है। फिर बचपन, किसी का बचपन पता चल रहा है उसका भाव, दुख दुख है या खुश है ये भी पता चल रहा है, घबराहट, हंसी, उदासी, बुराई, तो भाववाचक संज्ञा से गुण और अवगुण का पता चलता है, किसी के भाव का पता चलता है, इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब आपको पता चल गया ना कि संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। भाववाचक में भाव किसी व्यक्ति और वस्तु के जो गुण और अवगुण होते हैं उससे पता चलता है। व्यक्ति के गुण हो गए जैसे वो बहुत अच्छा है, और कोई खराब होता है तो उसके गुण और अवगुण पता चलते हैं। इसी तरह वस्तु में भी गुण और अवगुण होते हैं, कुछ मीठा होता है, कुछ खराब होता है, कड़वा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको भाववाचक संज्ञा से पता चलती हैं। तो आज आपने संज्ञा समझ लिया और संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब बच्चों आपकी ये जो बुक में अभ्यास कार्य है इसे आप खुद से कर लीजिएगा, आज की डेट मेंशन करेंगे बुक में ही अभ्यास कार्य के पास, और ये कर लेंगे चित्रों के नाम के आगे सही का निशान लगाइए, तो ये आप कर लीजिएगा। चित्र का नाम लिख करके वाक्य पूरे कीजिए, ये भी आप कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, खेल खेल में तितली के पंखों पर लिखे नामों को सही जगह पर लिखिए। तो ये जो तितली के पंख हैं इस पे कई नाम लिखे हुए हैं, जैसे नीचे देखिए यहाँ पर लोग, फिर वस्तु, फल, जगह, फूल, सब्जी, पशु, पक्षी। तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ लिखा भिंडी, तो भिंडी को कहाँ लिखेंगे आप, सब्जी में लिख देंगे। फिर रितेश लिखा हुआ है, तो रितेश को कहाँ पे लिखोगे, लोग में लिख दोगे, है ना, लोग रितेश को। फिर लिखा है मेज, मेज को आप वस्तु में लिखोगे। गुलाब, गुलाब क्या है, फूल है, तो फूल में लिखोगे। इसी तरह इसमें जो भी चीज़ें हैं आप इसको समझ करके और उनकी जगह पर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, आज आप ये काम कर लीजिए, फिर मैं आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद ये मैं करके आपको दूंगी असाइनमेंट में। ओके बच्चों, ओके।